देखिए यार, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में देखिए हमें क्या करना है कि गैसों के बारे में बात करनी है कि कोई भी गैसेज है उसका वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पे इफेक्ट क्या होगा, इन सभी चीजों का अध्ययन गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में किया जाता है। अब गैसों के अणुगतिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है, बात की जा रही है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, इन स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने देखा कि इसकी जो टाइप्स हैं वो फाइव टाइप्स के होंगे, यानी पदार्थ की अवस्थाएं पांच टाइप्स की होंगी आपके पास में। फर्स्ट है ठोस, ठोस में आप लोग बोलोगे आपके पास में हो गया सॉलिड। सेकेंड है आपके पास में उसका द्रव, यानी द्रव अवस्था, वो आपके पास में हो जाएगा बेटा लिक्विड फेज। थर्ड वाला है उसका गैसियस अवस्था, ये आपके पास में भी गैसियस अवस्था। जो फोर्थ फेज ऑफ मैटर है वो होता है बेटा प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये ध्यान मत रखना कि प्लाज्मा तो हमारे वहां पे भी मिलता है, पता है ना इसमें ब्लड में, ठीक है, वो वाला प्लाज्मा नहीं है, ये अपने वाला प्लाज्मा है जो स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करता है। और लास्ट वाला है बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी। हमारे सिलेबस में हमें बात करनी है सॉलिड फेज की, लिक्विड फेज की, गैसेस फेज की, बट हमें इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो इस चैप्टर में डिस्कस करना है ओनली ऑन गैसेस फेज के बारे में, ठीक है। गैसेस फेज के बारे में बात करनी होती है तो हमें यहाँ पे इसके लिए सबसे जो न्यूनतम रूप है वो देखना होता है। इसके गैसों के सबसे न्यूनतम रूप में जो फैक्टर काम करते हैं वो फैक्टर काम करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। P4 आपके पास में होगा बेटा प्रेशर, प्रेशर मींस दाब। V4 आपके पास में होगा बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस आयतन। T4 होगा बेटा आप लोगों के पास में टेम्परेचर, टेम्परेचर मींस तापमान। और N होगा आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। हमारे पास में KTG में हमें ये टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, ठीक है, कि इसका रोल क्या है, प्रेशर का रोल क्या है, वॉल्यूम का रोल क्या है, टेम्परेचर का रोल क्या है एंड नंबर ऑफ मोल्स का रोल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें जब भी बात करनी होती है इन फैक्टर्स के बारे में, स्टार्टिंग में हमें क्या मानना होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हमें कांस्टेंट मानना होता है, कि किसी भी सिचुएशन में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करना है, ठीक है। हमारे पास में कोई भी गैस बता रखी है, उस गैस के हमने क्या किया बेटा नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर रहे हैं बेटा कांस्टेंट कर रहे हैं, चलो आप लोगों ने मान लिया कि हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया। यहां देखिए आपके पास में पी है, वी है, टी है और एन है, आपने एन को कांस्टेंट किया तो बताइए रिमेनिंग क्वांटिटी कौन कौन सी बची, पी बचा, वी बचा और टी बचा। आपको इनके बजे में संबंध निकालना है, तो संबंध निकालना है तो देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स को तो आपने पहले से फिक्स कर रखा है। अब पता है क्या, आप अगर टेम्परेचर को भी इसके साथ में कांस्टेंट करते हो, टेम्परेचर को भी आप लोगों ने कांस्टेंट रखा, तो देखिए बच क्या रहा है पी और वी, यानी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर रहे हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हो, तो आपको जो संबंध मिलेगा वो किस किस के बीच में मिलेगा, पी के बीच में मिलेगा और वी के बीच में मिलेगा। तो ये संबंध होता है पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी आपके पास में कोई गैस बता रखी है और उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स पहले से फिक्स है, और अगर आप उसका टेम्परेचर भी फिक्स करते हो, यानी किसी दी गई गैस के लिए उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो और उस गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट मान लिया जाए, तो उस गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसी चीज को आप कहते हो बॉयल नियम। क्या कहते हो बेटा, बॉयल नियम। बेसिकली देखो बेटा बॉयल का मतलब क्या होता है, पता है ना बॉयल, बॉयल कहां से होता है, टेम्परेचर से होता है बेटा। तो देखो टेम्परेचर का फैक्टर आ रहा है ना इसमें, तो जब भी आपको बॉयल फ्लो की बात करनी हो तो बॉयल फ्लो की बात भी क्या करोगे कि बॉयल फ्लो में आपको इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट देन द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखिए बेटा यहां से आप लोग क्या कर सकते हो,
कि p इनवर्स इन प्रोपोर्शन टू v, तो आपको ये साइन हटाना है, तो ये साइन हटाना है तो आपको क्या करना होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करना होगा अपॉन v. तो देखिए बेटा pv इक्वल टू कांस्टेंट. अब ये बताओ pv इक्वल टू कांस्टेंट किस रूल के अकॉर्डिंग होता है बेटा? pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है बेटा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आप लोग बात करना चाहो कि pv इक्वल टू कांस्टेंट. देखो pv में क्या नहीं आया आपके पास में, ये देखो कौन-कौन सी क्वांटिटी है, p है, v है और t है. देखो इसमें क्या नहीं आ रहा, t नहीं आ रहा. तो यानी जिस फॉर्मूले में जो क्वांटिटी ना आए वो उसी का रूल होता है. इतना याद रखो सिर्फ आपको, आपको देखो कि इसमें p दिखा, v दिखा बट t नहीं दिखा, तो t फॉर टेंपरेचर. और टेंपरेचर बेटा कहां पे काम में आता है? बॉयल्स लॉ में काम में आता है. तो बॉयल्स लॉ में क्या मिलेगा आप लोगों को कि pv इक्वल टू कांस्टेंट. ओके,